हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे सी टेक चैनल में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, यदि आपका वोटर कार्ड बन गया है तो आपको वोटर कार्ड कौन प्रिंट करके दे सकता है और कहां से आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, और साथ में भी बताऊंगा कि क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल फॉर्म में और एक एजेंट का वोटर कार्ड फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं कि यदि आप वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते होंगे फॉर्म 6 पे जाकर, तो कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म आता होगा। इस तरह से आपको फॉर्म खुलता होगा, आप सारा डिटेल यहाँ पर फिल करते होंगे और फोटो वगैरह यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते होंगे। उसके बाद में आप यहाँ से सबमिट करते हैं, मतलब कि भेजते हैं, सबमिट करते हैं, तब जाकर एक रिसिप्ट नंबर तैयार होता है। यदि रिसिप्ट नंबर तैयार नहीं होता है तो आप दोबारा से इसको सबमिट करते होंगे या दो तीन बार ट्राई करते होंगे, तब आपको रिसिप्ट नंबर मिल जाता होगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन पर्सनल अप्लाई करते होंगे वोटर कार्ड के लिए। यदि आपको वोटर कार्ड का अप्लाई किस तरह से करना है नहीं पता है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको क्लिक करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं और वोटर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के थ्रू। और आप बताता हूँ कि किस तरह से वो लोग करते हैं, जैसे कोई एजेंट होते हैं, उनका फॉर्म किस तरह खुलता है, वो क्या बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कुछ अलग होता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि उनका फॉर्म किस तरह का होता है, यदि वो कोई एजेंट है या फिर कोई अधिकारी वगैरह है तो किस तरह का काम करता है उनका फॉर्म। चलिए इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, रहने देते हैं और आपको सीधे ले जाता हूँ मैं CSC के पोर्टल पर, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर या ग्राम सेवा केंद्र के पोर्टल पर ले जाता हूँ। और यहाँ पर इलेक्शन पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टेट मिल जाएगा, तो हम इसमें से एक स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, झारखंड इलेक्शन कार्ड प्रिंट पे। तो यहाँ पर लॉगिन हो रहा है, तो देखिए इस तरह से लॉगिन होने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट करना होता है। चलिए कोई भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का फॉर्म यहाँ पर जो डैशबोर्ड होता है, यदि आप CSC आपके पास है तो कुछ इस तरह का आपके पास शो करेगा, ओपन होगा। देखिए यहाँ पर फॉर्म 6, फॉर्म 6A, ठीक है, फॉर्म 7 डिलीट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए फॉर्म 8, ठीक है, फॉर्म 8 भी करेक्शन करने के लिए जो बाहरी कंट्री के होते हैं, और साथ में इलेक्शन कार्ड प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट ऑफ EPCI कार्ड इलेक्शन कार्ड, ठीक है, इलेक्शन कार्ड प्रिंट करने के लिए और सबमिट फाइल देखने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाता हूँ कि एक एजेंट के वोटर कार्ड के फॉर्म में और एक नॉर्मल वोटर कार्ड के फॉर्म में क्या फ़र्क होता है। तो आपको नॉर्मल वोटर कार्ड फॉर्म दिखाया ही, अब यहाँ पर आपको एजेंट का फॉर्म दिखाता हूँ। तो फॉर्म 6 पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ खुल के आता है। तो सबसे ज़्यादा फैसिलिटी है कि यहाँ पर ब्राउज फोटो के साथ में वेबकैम दिया हुआ है। यदि आप साथ साथ में किसी के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फोटो स्कैन करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर वेबकैम करके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। साथ में नेम वगैरह यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करने के लिए सारा कुछ दिया हुआ है, जेंडर जो सेलेक्ट करना है, स्टेट वगैरह सेलेक्ट करने के बाद में लैंग्वेज हिंदी में ऑटोमेटिक आता जाता है, जो स्टेट होगा वो आपका लोकल लैंग्वेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। साथ में आपको पार्लियामेंट वगैरह जो सेलेक्ट करना होगा आप सेलेक्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक सारा डिटेल आ जाएगा, मतलब कि फिल करने की जरूरत नहीं होता। और साथ में आपको बस यहाँ पर प्लेस और कब से आप रह रहे हैं और यहाँ पर वेरिफिकेशन कौन भरने के बाद में आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इस तरह से जो एजेंट का जो फॉर्म होता है काफ़ी इजी होता है नॉर्मल फॉर्म से, जितना कुछ इसमें भरने पड़ता है उससे काफ़ी कुछ कम भरना होता है एजेंट फॉर्म में। तो यदि आपके पास CSC है तो आप ट्राई कीजिएगा, यदि आपके पास CSC है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करके आप इसे चालू करवा सकते हैं। तो होम पे चलते हैं और भी चीज़ें बताता हूँ आपको। देखिए ये तो फॉर्म 6 हुआ, वैसे ही फॉर्म 8 है, और साथ में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना लोगों का मतलब कि फॉर्म भरा है, कितना लोगों का डिटेल सबमिट किया, यहाँ पर सारा कुछ शो करता है। लेकिन इसमें है कि इसमें आपको खुद का रसीद नंबर कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको खुद का भरा हुआ फॉर्म बताएगा। डेली कार्ड प्रिंटिंग, आपने चेक योर डेली कार्ड प्रिंटिंग कि आपने आज टुडे कितना कार्ड प्रिंट किया है, जैसे वोटर कार्ड कितना कार्ड प्रिंट किया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियो पे ये आए हैं कि ये जो फॉर्म 6 है वो फेक है, जैसे कि ये जो वेबसाइट है वो फेक है, यहाँ से बनता नहीं है, बस ऑनलाइन एक्सेप्ट हो जाता है और आता नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये जो वोटर कार्ड का जो प्रोसेस है ज़्यादातर बाई हैंड है, लोग देने ही आते हैं, ये डाक से और वैसे नहीं आता, यदि कोई देने के लिए नहीं आया तो इसलिए नहीं मिलता है। तो आपको पता ही है सरकारी काम है, कोई जल्दी देने नहीं आता। तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे कि जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है या फिर ग्राम सेवा केंद्र है, आप वहाँ पर जाकर संपर्क कर लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि देखिए प्रिंट ऑफ EPCI कार्ड, कि मतलब आप वोटर कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके वोटर कार्ड प्रिंट कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट किए हुए वोटर कार्ड को चेक कर सकता हूँ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि मेरे पास ये प्रिंटर नहीं है। यदि मैं प्रिंटर परचेज करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा तुरंत, और
यहाँ पर क्लिक करके वोटर कार्ड हम प्रिंट कर सकते हैं और बहुत लोग करते भी हैं। तो यदि आपको वोटर कार्ड प्रिंट कराना होगा तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जिसको CSC बोलते हैं आप वहाँ पर जाकर संपर्क कीजिए और वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, आपको वोटर कार्ड प्रिंट करके दे देंगे। हाँ, मात्र 25-30-40-50 जो भी रुपया लगेगा वो ले सकते हैं क्योंकि इसका कुछ चार्जेस बनता है। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। और साथ में आपको ये भी पता लग गया होगा कि आप कहां से वोटर कार्ड प्रिंट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।